नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो आज हमारे पास है हीरो होंडा प्लेजर, ब्लैक कलर में है और ये है 2012 मॉडल। ठीक है, तो 2012 मॉडल आपको 20,000 के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि ये जो 20,000 रुपये तो रेट है, तो ये तो आप किसी डीलर के पास जाओगे ना तो वो आपको बोलेगा पहले 24,000, 25,000 ऐसे बोलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप नेगोशिएट करोगे, थोड़ा कम करवाओगे, तो 20 तक आपको वो सेल कर देगा। ठीक है, ये तो होगी डीलर की बात। और बाकी जब हम चेक करते हैं OLX में या फिर कोई अपना पर्सनल जान पहचान का इंसान होता है कि कोई फ्रेंड हो गया या फिर कोई भी, मतलब जिससे हमारे लिंक होते हैं और अगर हमने उससे परचेज करनी होती है, तो उनसे आप और भी कम करवा सकते हो। उनको बोल सकते हो कि यार 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा कम करो उसको, तो वो मतलब 17-18 हज़ार रुपये के आसपास आपको मतलब स्कूटी दे देंगे, 2012 मॉडल ब्लेजर। ठीक है ना, क्योंकि ये हीरो होंडा प्लेजर है, ना कि ये एक्टिवा, क्योंकि एक्टिवा की डिमांड है ज़्यादा। अगर एक्टिवा होती 12-13 मॉडल, तो वो उसका रेट आप वो भी 20 और 25 के बीच में मिलता आपको, उससे कम नहीं मिलता आपको। ठीक है ना, 12 मॉडल एक्टिवा, और ये प्लेजर है तो उसका रेट थोड़ा सा कम है। होंडा की जो ये हीरो है और प्लेजर है, ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है एक्टिवा के मुकाबले, तो इसलिए इसका रेट थोड़ा कम है। पर बाकी ये स्कूटी जो है ना, उन लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है जिनकी हाइट थोड़ी कम है। जैसे आजकल जो कुछ लड़कियां या कोई मतलब अपनी जो सिस्टर होती है या मदर होती है, जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, अगर आप उनके लिए सेकंड हैंड लेना चाहते हो ना, या फिर अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है और आपको ऐसी एक्टिवा चाहिए कि जो कंफर्टेबल हो आपके लिए, तो एक्टिवा मतलब स्कूटी जो एक्टिवा है वो थोड़ी सी हैवी सी लगती है, बड़ी सी लगती है, तो उसको चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है छोटी हाइट की जो लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं उनको। तो इसलिए जिनकी हाइट कम है उनके लिए ये स्कूटी अच्छी होती है चलाने के लिए, क्योंकि कंफर्टेबली आप इसको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है ना, तो बाकी आप स्कूटी को देख लो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन की स्कूटी आपके स्टेट में या आपके सिटी में जहाँ पे आप रहते हो आपको मिल जाएगी आराम से 20,000 के आसपास। ठीक है ना, तो आप देख लो स्कूटी को, और अगर आपने परचेज करना हो तो अपने सिटी में जाके आप परचेज कर लेना किसी भी सेकेंड हैंड बाइक मार्केट में, ठीक है, या OLX में। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगा फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने रखे ख्याल। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।